हथियारों की दुनिया का कोई देश बेताज बादशाह है तो वो है यूएसए। दुनिया के देश जिस समय स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बनाने में लगे हुए हैं उस समय में यूएसए ने अपने F-35 जंग के मैदानों में उतार रखे हैं। खैर, इंडिया और यूएसए मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाई एटीट्यूड वॉरफेयर में कौन से हथियार कारगर साबित होंगे, खासकर तब जब ऑक्सीजन लेवल लो हो और ऊंचाई बहुत ज्यादा हो। खैर, इसी सब के दौरान यूएसए ने एक ऐसे हथियार का ऑफर इंडिया को दिया है जो कि हमें चाइना के खिलाफ बढ़त दिला सकता है। यूएसए ने इंडिया को एक ऐसे रॉकेट सिस्टम का ऑफर दिया है जिसकी मदद से यूक्रेन में रशिया में तबाही मचा रखी है। उतनी तबाही तो यूक्रेन की बाकी सभी मिसाइलों ने नहीं मचाई जितना ये रॉकेट सिस्टम यूक्रेन के लिए रशिया के खिलाफ कारगर साबित हो रहा है। इस रॉकेट सिस्टम का नाम है हिमार्स। अब आप बोलोगे कि इंडिया को हिमार्स सिस्टम की क्या जरूरत है, हमारे पास तो अपना पिनाका सिस्टम है। दरअसल पिनाका और हिमार्स दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं। जब आपने किसी पार्टिकुलर एरिया के एक छोटे से एरिया को टारगेट करना हो तब आपके लिए हिमार्स सिस्टम काम आएगा, जबकि पिनाका जाना जाता है मैसिव डिस्ट्रक्शन के लिए। हिमार्स के ऊपर 6 मिसाइलें तैनात रहेंगी और पिनाका के ऊपर हम 12 रॉकेट सिस्टम तैनात करते हैं। हिमार्स को इधर उधर ले जाना भी आसान है क्योंकि इसको हम 6x6 के ट्रक में लाद कर लेकर जा सकते हैं, लेकिन पिनाका को खासतौर पर जंग के समय इधर उधर ले जाना काफी मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है कि हम पिनाका को खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी एयर बेसिस हैं वो विदिन 100 किलोमीटर की रेंज में आते हैं और पिनाका की रेंज 70 से 100 किलोमीटर ही है, लेकिन यूएसए का हिमार्स रॉकेट सिस्टम है जो वो 450 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। चाइना का होटान एयरबेस जो कि चाइना का सबसे बड़ा एयरबेस इंडिया के खिलाफ है वो हमसे 400 किलोमीटर दूर ही है। ऐसी स्थिति में हिमार्स हमारे लिए काफी कारगर साबित होगा। इसी के साथ लगे हाथ इंडिया ने यूएसए के साथ 500 स्ट्राइकर्स की डील कर ली है। स्ट्राइकर एक ऐसा वेपन है जो कि पहाड़ों में लाइट वेट होने की वजह से एक बड़े टैंक की जितनी तबाही मचा सकते हैं और हमारे 9-10 सैनिक आसानी से इधर उधर मोबिलाइज भी किए जा सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि यूएसए इंडिया को चाइना के खिलाफ स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, जिसके चलते ये सब ऑफर यूएसए इंडिया के लिए दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम जो अपने मेड इन इंडिया वेपन्स हैं उनको पीछे छोड़ दें या उनको इग्नोर करना शुरू कर दें। इंडियन गवर्नमेंट का इसकी तरफ ध्यान जरूर रहेगा। हमारी मिलिट्री इसको लेने के लिए रिकमेंड करेगी या नहीं वो समय आने के बाद पता चलेगा। और हाँ, एक बात और बता दूँ, F-35 के ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हाँ, इंडियन एयरफोर्स ने मन बना लिया है कि हम यूएसए से F-35 अब खरीदने जा रहे हैं। बाकी जैसी कोई डिटेल्स आती है मैं इसके बारे में तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। आप आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।